नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कलेक्टर अरविंद दुबे। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद दुबे ने विधानसभा निर्वाचन के लिए कार्रवाई तथा तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनजागृति में पत्रकारों की महती भूमिका है। उन्होंने विगत चुनाव में मीडिया की रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हुए विधानसभा निर्वाचन में भी सहयोग की अपेक्षा की है। इसके अलावा कलेक्टर ने प्रेस से क्या कहा, दर्शक खुद सुन लें। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आज माननीय चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श संहिता का पालन प्रत्येक राजनीतिक दल, हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी और आम जनता को करना है। उसके लिए अलग अलग प्रावधान है जिसका कि प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। आदर्श आचरण संहिता लगते ही जो हमारे सरकारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रमाइसेज हैं, उनमें आदर्श आचरण संहिता से संबंधित चीज़ों की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अगले इलेक्शन तक, ये पूरी इलेक्शन समाप्ति तक पूरी तरह से चलती रहेगी और हमारा प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पूरा इसमें जोर रहेगा कि जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं। देखिए, 21 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ ही जो उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 तारीख तक नॉमिनेशन भर सकते हैं, अगले दिन उसकी स्क्रूटनी है, उसके बाद नाम वापस लेने के साथ साथ 17 जो नवंबर की तारीख है वो हमारे ज़िले में, पूरे प्रदेश में ही वो निर्वाचन मतदान के लिए निर्धारित की गई है और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। सर, रायसेन ज़िले की जनता के लिए चुनाव को लेकर क्या है? मेरा जनता से अनुरोध है कि पहले जो हमारी आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन करें और मतदान के दिन पूरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी पूरे हमारे प्रशासन की है। निर्भीक होकर मतदान करें और अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पिछले साल 76% मतदान हुआ था और इस बार कोशिश करें कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करें और 80-85% और क्यों ना 100% वोटिंग हो, तो अधिक से अधिक संख्या में आके वोट। आपराधिक गतिविधियों से संबंधित कार्रवाई पहले से चल रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार चल रही है। 107-16, 110 की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जिला बदर के केसेस भी हम लोग कर रहे हैं, तो लगातार प्रयास चल रहे हैं कि अपराधों पर अंकुश रहे और लोगों में चुनाव में निष्पक्ष रूप से कराने में विश्वास कायम हो। इसके अलावा लगातार यह भी प्रयास चल रहे हैं कि जो हमारी टीमें बनी है, FST SST, ये अपनी इफेक्टिवली कार्रवाई करें। जो भी MCC के वायलेशन से संबंधित हैं वो चीज़ें हैं, उनको रोकें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। शस्त्र लाइसेंस जैसे ही आज आदर्श आचरण संहिता लागू हुई निलंबित कर दिए गए हैं और यह निर्देश दिए गए हैं कि यह जो शस्त्र हैं वो या तो थानों में जमा कराएँ या फिर जो भी इनके डीलर हैं उनके यहाँ जमा कराएँ।